ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर अंधाधुन फायरिंग की है और मामला गौ सिटी सोसाइटी का है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर जमकर गोलियां चलाई है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फायरिंग की यह पूरी घटना आप देख सकते हैं, तो गनीमत यह रही है कि युवक की जान बच गई है और इस वारदात के बाद गौ सिटी की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरों में कैद हुआ है किस तरह से यहां पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, युवक पर जानलेवा हमला ये किया गया है। लेकिन थोड़ा गौर से देखें तो पहले ये दोनों बदमाश कुछ बातचीत करते हुए नजर आए और फिर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जब वो युवक अपनी जान बचाता हुआ भागा तो बदमाश भी भागे, बाइक पर बैठे और फरार हो गए। लेकिन गनीमत यह रही कि युवक की जान बची है। देखिए कैसे कुछ बातचीत शायद यहां पर हो रही थी। तीन लोग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, दो बदमाश हैं, एक युवक जिस पर फायरिंग की गई है, और जो तस्वीरों में दिख रहा है उससे अंदाजा यही लग रहा है कि पहले दोनों के बीच जो दो बदमाश थे उनके और जो तीसरा युवक है उनके साथ कुछ बातचीत हुई। देखिए किस तरह से एक युवक वहां पर खड़ा था, एक बदमाश जो पहले से ही वहां पर था, दूसरा उसके करीब पहुंचता है तो तुरंत युवक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, बदमाश भी भागना शुरू कर देते हैं और देखिए किस तरह से बाइक पर बैठे और फरार हो गए। तो इसका मतलब तीन बदमाश थे, जो एक बाइक चला रहा था, बाइक संभाले हुआ था, दो उसके पास आते हैं और ये जो तस्वीर है वो गौ सिटी की है। किस तरह से सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। तो तीन बदमाश लगभग वहां पर नजर आ रहे हैं, एक बाइक को संभालता हुआ ताकि कोई भी अगर हलचल दिखे तो तुरंत वहां से निकल ले, और ऐसा ही कुछ हुआ। पहले युवक पास में था, युवक पर फायरिंग की गई, गनीमत यह रही कि वो सुरक्षित बताया जा रहा है, जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए वहां से भागा। तो देखिए किस तरह से भागता हुआ नजर आया, फायरिंग फिर भी बदमाश करते रहे, कोशिश करते रहे कि गोली लग जाए, लेकिन फिर ये दोनों बदमाश भागे। तीसरा जो युवक बदमाश था वो दूर खड़ा हुआ था, उसके साथ बाइक पर बैठते हैं और फरार हो जाते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे पवन त्रिपाठी, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है? सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लगभग शायद तीन बदमाश थे, बाइक पर सवार होकर आए थे। बिल्कुल, देखिए ये जिस तरीके से सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, तो यानी प्री प्लान करके इन बदमाशों ने इस व्यापारी के ऊपर गोली चलाई है। और सबसे बड़ी बात है कि गौ सिटी सोसाइटी जैसी सोसाइटी जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और इस तरीके की घटना होना अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाती है। और जिस तरीके से सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि ये तीन बदमाश पहले से घात लगाए बैठे थे, और जब व्यापारी अपनी कार को पार्क करके बाहर निकला तब उसके पास जाके उसे उस पर गोलियां चलाई हैं। यानी कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की गई है और प्री प्लान तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि जो थाना पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर किस तरीके से ये बदमाश वहां पहुंचे, कैसे इन्होंने फायरिंग की और इनका क्या सुराग लग सकता है जैसे इनको पकड़ा जाए। जी पवन, हम देख पा रहे हैं कि एक युवक जो था जिस पर फायरिंग की गई है, क्या कुछ दोनों के बीच या बदमाशों के बीच कुछ बात भी हो रही थी, कोई विवाद तो नहीं था पिछला? बिल्कुल, उसे जैसा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है और पुलिस से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके की रंजिश चल रही थी व्यापारी की किसी से, या कोई पुराना लेन देन का मामला हो, इन सभी विषयों पर, इन सभी बिंदुओं पर लगातार पुलिस जांच करने की बात कर रही है और लगातार पूछताछ की जा रही है कि व्यापारी ने करीब से देखा था उन बदमाशों को तो क्या जान पहचान पहले से है, या वो जानता है, या उससे बात जब कर रहे थे तो किन टॉपिक पर बात कर रहे थे। इन सभी मुद्दों पर पुलिस लगातार व्यापारी से पूछताछ कर रही है और अभी हालांकि पुलिस ने कुछ भी कहने से साफ मना किया है। पुलिस ने कहा है कि ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे ही पूरे मामले का खुलासा होगा तो मीडिया को इस पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। जो बदमाश जो है पकड़े नहीं गए, इसका मतलब अभी तक पवन? जी बिल्कुल, बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरीके से बाहर। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो फायरिंग की यह पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गौ सिटी सोसाइटी जो देखा जाता है, सोसाइटी में गार्ड्स होते हैं,
सुरक्षा के लिहाज से कहा जाता है कि कैमराज लगे हैं, गार्ड्स हैं, तैनाती है, एंट्री बिना रजिस्ट्रेशन के, यानी कि रजिस्टर में पहले एंट्री कीजिए फिर अंदर जाइए, ऐसा होता है सोसाइटी का एक माहौल। अगर हम जाते किसी सोसाइटी में तो गार्ड वहां पर बैठे होते हैं, बाकायदा पहले पूछा जाता है कि आपको किससे मिलना है और कहां जाना है, लेकिन यहां पर गार्ड्स की चूक समझे, सुरक्षा में सेंध समझे, क्योंकि गौ सिटी सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। किस तरह से सोसाइटी के अंदर घुसे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा महफूज इन सोसाइटीज में लोग समझते हैं अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे कैमराज होते हैं, गार्ड्स होते हैं, तो वो अपने घर पर जब जाते हैं, यानी देखा हमने किस तरह से कार को पार्क किया, उसके बाद वो वहां पर जब बाहर आया तो पहले से घात लगाकर वहां पर बदमाश बैठे हुए थे, यानी कि उनको पता था कि किस समय पर ये युवक यहां पर आएगा और उसके ऊपर हमला बोलना है। लेकिन यहां पर गनीमत ये रही कि युवक बताया जा रहा है कि जान पर कोई खतरा नहीं है, सुरक्षित है, और इसी फुटेज के आधार पर अभी जांच की जा रही है, यानी कि अभी बदमाश भी नहीं पकड़े गए। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो चुके हैं, पुलिस क्या कर रही है, फुटेज सामने है तो बदमाश कब तक पकड़े जाएंगे, किस आधार पर अभी जांच की जा रही है, क्या कोई पुरानी रंजिश या व्यापारी से लूट के इरादे से यहां पर आए थे, अभी इसको लेकर कुछ भी पुलिस ने नहीं कहा है। हमारे संवाददाता ने जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि पहले हम जांच कर लें उसके बाद मीडिया के सामने इसका खुलासा करेंगे। तो बदमाशों की धरपकड़ के लिए जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि तभी यह सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है और इसके आधार पर अब जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, इसमें जो तस्वीरें कैद हुई हैं कैमरे में वो देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि आप महफूज नहीं है, क्योंकि जरा सी भी चूक आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। अगर ये युवक यहां से तुरंत नहीं भागता तो शायद वही मौत की घाट उतार देते हैं बदमाश, क्योंकि इसी इरादे से यहां पर आए थे।